बनाने जा रहे हैं पनीर नगेट्स, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में लेंगे 1 चम्मच दही। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच देगी लाल मिर्च, 1 चम्मच नींबू का रस। हमें 1 ही चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसके साथ ही मैंने ले लिया है 300 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरह के पीसीस में थोड़े से बड़े और मोटे पीसीस में मैंने इनको कट कर लिया है। अब हम इसे इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। सभी पनीर के पीसीस को मैंने मिक्सचर में ऐड कर दिया है। अब हम हाथ से इन सब के ऊपर मसाले की कोटिंग कर देंगे अच्छे से। सभी पनीर के पीसीस के ऊपर मसाले की ये कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा मिक्सचर रेस्ट करता है, तब तक हम बना लेते हैं कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर। तो इसके लिए हमें लेना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा, थोड़ा सा नमक, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही लेंगे हम, और थोड़ी सी काली मिर्च। और हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लेना है। पानी हमें एक साथ नहीं डालना, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिला लेना है इसको। कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर बनकर तैयार है। हमें इसे ना तो ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। ये इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे कॉर्नफ्लोर और मैदे के मिक्सचर में डालेंगे और इसको अच्छे से डिप कर लेना है हमें। इसके बाद हम इसको रख देंगे ब्रेड क्रम्स पर और इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगा देनी है एक। और देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग आ चुकी है इसके ऊपर अच्छे से। और अब हम इन्हें प्लेट पर रख लेंगे। सभी पनीर के पीसेस तैयार हैं। अब हम इन्हें सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इन पीसेस को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और सभी पीसेस अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब मैंने एक पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे पनीर के पीसेस। हमें एक एक करके डालने हैं। फ्लेम हमारी मीडियम ही है, फ्लेम हमें ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। और हमें इन्हें इस तरह से 2 मिनट के लिए तेल में ही छोड़ देना है। इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आना स्टार्ट हो गया है। अब हमें इन्हें पलट देना है इस तरह से और दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेना। अब हमारे पनीर नगेट्स का कलर प्रॉपरली गोल्डन ब्राउन आ चुका है और हम इनको निकालना स्टार्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे पनीर नगेट्स को फ्राई करके टिश्यू पेपर पर रख लिया है। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हम पनीर नगेट्स को टमाटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये पार्टीज के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।